सोहराब बरकत है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब से भारत के अंदर से अपनी सियासत की टांग लंगड़ी करवा कर, कर लौटे हैं यानी एक टांग की उन्होंने कुर्बानी दे दी जो इतना बड़ा डिप्लोमैटिक्स नुआ कि 12 सालों के बाद एक फॉरन मिनिस्टर वहां पर गया और खुद को डिफेंड नहीं कर सका अपनी पोजिशन क्लियर नहीं कर सका बल्कि और ज्यादा टेंशन क्रिएट करके वापस बिलावल साहब पाकिस्तान लौटे हैं तो ये सिर्फ लंगड़ी टांग बिलावल साहब की नहीं हुई बल्कि उनके जो हैंडलर्स थे उनको जो बतौर प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा था पाकिस्तान में और कोशिश की जा रही थी कि उन्हें लीडर के तौर पर मनवाया जाए और हम सबके जहनों के अंदर ठोसा जाए कि बिलावल लीडर है आपने ये बात माननी है कि बिलावल साहब बहुत बड़े लीडर हैं बहुत बड़े फॉरन मिनिस्टर हैं और पूरी दुनिया और हो सकता है कि दुनिया के मामला को सॉर्ट आउट करवा दें हो सकता है कि जो दुनिया बाईपोलर है उसको यूनिपोलर की तरफ लेकर चले यानी दुनिया के मामला में एक बहुत बड़ी शख्सियत का रोल प्ले करेंगे लेकिन भारत के अंदर जो हुआ मेरे ख्याल में वो वेकअप कॉल है वो एक दस्तक है वो एक कलाम है कि सब जाग जाए पाकिस्तान में क्योंकि जो कुछ भारत के अंदर हुआ है जिस तरह से जयशंकर ने आंखें दिखाई है मेरे ख्याल में बाजू का जिंदगी हो या लोगों की जिंदगी हो या किसी शख्स की जिंदगी हो एक थप्पड़ बड़ा जरूरी होता है जहां से वो अपनी समत का दुरुस्त आयन करता है लेकिन इसमें कसूर सिर्फ बिलावल साहब का नहीं है बल्कि इसमें कसूर भारत का भी है जो अब चीजें खुलकर सामने आ रही हैं और ये मुझे खुद से मैंने इंटरव्यू भी किया और इंडियन जर्नलिस्ट को नहीं थी। गलती कहीं और से थी। वो आपके सामने रख देते हैं एक तरफ थे बिलावल जरदारी साहब जो कि पाकिस्तान में अच्छी अंग्रेजी बोल देते हैं जो कि हमें नहीं आती तो हमें लगता है कि बहुत तगड़ी पर्सनैलिटी है बिलावल साहब कौमी असेंबली में खड़े हो जाते हैं बाकी सारे बैठ जाते हैं और ये सुप्रीम कोर्ट को लथेड़ देते हैं इमरान खान को लथेड़ देते हैं जिसे दिल करता है उसे लथेड़ देते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से पाकिस्तान में आम बंदा मिल नहीं सकता दूसरी तरफ थे जयशंकर साहब पैंतीस साल का इस शख्स का तजुर्बा है पीएचडी इसने कर रखी है और दुनिया का मंजा हुआ डिप्लोमैट मंजा हुआ डिप्लोमैटिस के साथ बहस करते आर्ग्यूमेंट होता है चीर फाड़ के रख देता बंदे को डिप्लोमेसी की खूब समझ है जयशंकर को उन्हें पता था एक्सप्रेशन क्या देने हैं उन्हें पता था हाथ मिलाना है या नहीं मिलाना बल्कि अब जो खबरें रिपोर्ट हो रही हैं कि जयशंकर ने प्राइवेटली बिलावल साहब के साथ हाथ भी मिलाया है और गले भी लगाया है लेकिन पब्लिकली उन्होंने ऐसे करके वो खड़े हो गए मुंह सीधा करके चूंकि डिप्लोमेसी में आपके एक्सप्रेशन भी एक लैंग्वेज होती है ये आपकी एक कम्युनिकेशन होती है आप एक मैसेज कन्वे करते हैं तो जयशंकर चूंकि मंजा हुआ था तो उसने पता ही नहीं चलने दिया बल्कि एक मैसेज स्ट्रॉग कन्वे किया कि जनाब हम तो आपको पूछते ही नहीं है हुआ ये कि भारत के अंदर कर्नाटका में इंत होने वाले हैं और कर्नाटका अगर मोदी जीत जाता है तो साउथ में उसका मुंह खुल जाता है बुनियादी तौर पर और ये, ये कुछ ही दिनों में गिर्द घूमती है ढिमान कर, 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 कर दिया उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि भारत के अंदर पचासी परसेंट हिंदू है और उन पचासी परसेंट हिंदू में से तकरीबन साठ से सत्तर फीसद तो एक्सट्रीमिस्ट है और उन सबके जहनों में अगर ये चीज आप डाल दें कि हम पाकिस्तान को काउंटर कर रहे हैं हम चीन को काउंटर कर रहे हैं और खास तौर पर हम पाकिस्तान को दुनिया भर में इनकी बेजती कर रहे हैं इनकी तस्दीक कर रहे हैं हम इनके सामने खड़े हैं तो उससे एक मैसेज कन में होता है जिसके बुनियाद पर मोदी साहब ने दूसरे इंतबात भी जीते थे और अब फिर तीसरी टर्म वो लेना चाह रहे हैं यानी इंतखबा जीतना चाह रहे हैं ना सिर्फ कर्नाटका जीतना चाह रहे हैं बल्कि उनका प्लान दो के भारत के अंदर आम इंतखबात भी हैं लिहाजा वो एक बड़ी गेम प्लान कर रही थी और बदकिस्मती से चूंकि बिलावल साहब उन्होंने जाना था बताना था मैं फॉरन मिनिस्टर हूं जहां से उतरते हुए तस्वीरें बनानी थी बड़ा मीडिया था सात सौ न्यूज चैनल थे उन्होंने हेडलाइन बनना था और वापिस आकर यहाँ पर भी बताना था देखें जी मैं भारत भी गोम आया हूँ देखें जी मैं इंडिया भी गोम आया हूँ लिहाजा वो वहां पर गए और आगे वो प्लान करके बैठे हुए थे घात लगाए बैठे हुए थे उनका जो अपना मीडिया है उन्होंने इस मौके को कैप्चर करना था उन्होंने कैप्चर किया और हेडलाइन बना दी टॉप स्टोरीज बना दी और मोदी की जो कैंपेन थी उसको यहां से वो यहां पर लेकर गए और भारत के अंदर रोला डलवा दिया कि मोदी जी की एक और फतेह और पाकिस्तान को वो घुटनों पर लेकर आए हैं तो अगर जो संजीदा लोग हैं जो डिप्लोमेसी को समझते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को समझते हैं उन्होंने जयशंकर और भारत की सरकत को कमीनी और घटिया हरकत करार दिया है और एक बड़ी ही एक ऐसा पड़ोसी कि जिसके चेहरे पर हमेशा से वट चढ़े होते हैं जिसे कोई समझ नहीं आती जिसके साथ मसला क्या लेकिन उसने मुंह बनाए रखा होता है एट द एंड ऑफ द डे इन्हें आना पड़ेगा हाथ मिलाना पड़ेगा मामलात को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा नहीं तो उसके बगैर हल नहीं है गुरबत दोनों इलाकों से खत्म उसके बगैर नहीं हो सकती बार बिलावल साहब को आने वाले टाइम के लिए नेक दुआएं और तमन्नाएं लेकिन ये बात दुरुस्त है कि बिलावल साहब और उनके कुछ एक हैंडल्स को एक टांग उनकी लंगड़ी जरूर हुई है ख्याल रखिएगा अपना अल्लाह